तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम Realme 5 यहाँ पे ये मोबाइल बंदे ने फॉर्मेट किया है और फॉर्मेट करने के बाद भी यहाँ पे जो भी है ये सेटअप करने जा रहा है तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है और इसमें गूगल अकाउंट है तो इसमें आपको क्या करना है, FRP बायपास करना है, गूगल अकाउंट बायपास करना है। तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड तो नहीं मालूम है क्योंकि हमने फॉर्मेट किया था इसी वजह से, और यहाँ पे गूगल अकाउंट भी हमको नहीं मालूम है वो वाला। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे बैक चले आइएगा पूरा। गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप फिर स्टार्टिंग पे चले जाइएगा, जैसे कि देखिए मैं स्टार्टिंग पे शुरुआत पे चले आया हूँ। उसके बाद आपको देखने की स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको क्या करना है, एक ट्रिक आजमाना है, एक कोड है। वीडियो को आप ध्यान से देखिए गाइज, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड में, कुछ मिनटों में ये मोबाइल आपका अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में चले जाइएगा, स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे इमरजेंसी वाले कॉल पे यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और आपको एक कोड को डायल करना है। कोड क्या है, यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे देखिए कुछ सेकेंड में कोड डालूंगा और यहाँ पे चुटकियों में ये मोबाइल हमारा अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे कोई सेटअप नहीं करना है, कोई FRP बायपास नहीं करना है। तो ये कोड इसमें वर्क करेगा, क्यों Realme के फोन में कुछ फोनों में ये ट्रिक वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे कोड आपको डालना है *813, ठीक है। और यहाँ पे जैसे करेंगे तो देखिए हमारा मोबाइल, जैसे आप यहाँ पे *813# डालोगे और यहाँ पे कॉल लगाओगे तो ये मोबाइल आपका ऑन हो जाएगा। देख रहोगे कैसे हमारा मोबाइल यहाँ पे लॉक यहाँ पे खुल गया। और देखिए सब मैं सेटिंग्स यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये Realme 5 है, और यहाँ पे मैं नीचे जाके अबाउट फ़ोन में भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये Realme 5 है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये मेरा मोबाइल अनलॉक हो गया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ठोक दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। धन्यवाद।